तो गाइस, मैंने अभी सज्जनगढ़ पैलेस के लिए टिकट ले ली है। यहाँ पे आप अपनी व्हीकल खुद की है तो लेके जा सकते हो। अगर टू व्हीलर है तो 60 रुपीज़ है, और अगर आपके फोर व्हीलर है तो 300 रुपीज़ है। और प्लस उसके अंदर जो विजिटर है वो पर विजिटर 150 डिवाइडेड बाई टू, बोले तो 75 पर पर्सन है। और है मतलब ठीक है, अभी हम लोग को टोटल जो मेरा प्राइस बना वो 370 रुपीज़ पड़ा। तो अभी किए, अभी चलो निकलते फिर। वेलकम टू ट्रैवलिंग गियर्स। मैं प्रथमेश फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में खुश होंगे। तो जैसे हमने उदयपुर की पूरी सीरीज़ कवर करने का सोचा है, तो आज हम उदयपुर सीरीज़ में जैसे आपने देखा कि हम सज्जनगढ़ पैलेस बाइक से पहुंच गए। सज्जनगढ़ पैलेस को महाराजा उदय सिंह ने बनाया था, उनके मृत्यु के कारण वो उसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर उसे आगे फतेह सिंह ने उसे महाराज जो फतेह सिंह है उन्होंने उसे पूरा किया। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे हम मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं, वो एक ऐतिहासिक इमारत है जो भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में स्थित है। यहाँ सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में मैं आपको एक कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहो और फिर मिलते हैं आगे राइड पे। तो सज्जनगढ़ पैलेस जाने से पहले मैं जो जानकारी आपको देना चाहूँगा वो आप ध्यान से सुने। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर शहर से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यात्री पैलेस के लिए उदयपुर रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी ड्राइव लगा सकते हैं जो लगभग 9 किलोमीटर की होगी। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे आप टिकट खरीदनी होगी जिसमें आपके पार्किंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। पैलेस की ओर जाने वाले घूमते हुए सड़क एक एडवेंचरस राइड का अनुभव देती है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि पैलेस की ओर निकलने से पहले आप अपनी गाड़ी वाहन की स्थिति ज़रूर ज़रूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर वाहन रुके तो मरम्मत करने की कोई आसपास सुविधा नहीं है। पहाड़ों में ऊपर होने के कारण वाहनों के इंजन पे लोड आना एक आम बात है। अगर आप बाइक से ट्रैवल करना कर रहे हो तो बाइक कंडीशन ज़रूर चेक करो। ऑयल, इंजन ऑयल, जो भी बाइक की सर्विसिंग है वो आप ज़रूर चेक करें, और बाइक पे लोड कम हो इसका ध्यान रखें। अगर आपकी स्कूटी या लो सीसी की टू व्हीलर हो तो एक ही पर्सन एक गाड़ी से ऊपर के और जाए, रास्ता भी छोटा है तो आप उसमें बहुत सारे ऐसे टर्न्स आते हैं, तो उसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। फोर व्हीलर की कूलेंट या इंजन ऑयल की दिक्कत गाड़ी में ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि रास्ते ऊंचाई पे होने के वजह से आपके गाड़ी पे, आपके इंजन पे बेशक लोड आएगा जिससे आपकी गाड़ी की इंजन गर्म हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर बीच रास्ते अगर गाड़ी रुक गई तो आसपास कोई सुविधा नहीं है कि आप उसी उसकी मरम्मत कर सकते हो। तो ध्यान रखें, सज्जनगढ़ पैलेस चढ़ने से पहले आप अपने गाड़ी सही से आपकी कंडीशन में इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो चलो शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पैलेस के बारे में। सज्जनगढ़ पैलेस अरावली पर्वत की चोटी के ऊंचाई पर स्थित है और ये फतेह सागर झील को देखता है। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य खगोल शास्त्र केंद्र के रूप में सेवा करना और मानसून बादलों की जानकारी रखना होता था। ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण मौसम की जानकारी के साथ साथ यहाँ की रॉयल फैमिली शिकार करने भी आया करती थी। हालांकि महाराणा सज्जन सिंह के पूर्व मृत्यु के कारण पैलेस को कभी भी इसके मूल या खरे उद्देश्य के रूप से पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया, लेकिन अधूरे पैलेस को पूरा करने का काम महाराणा फतेह सिंह ने आगे किया। जैसा कि पहले बताया है, पैलेस की निर्माण प्रारंभ में मानसून बादलों की जानकारी रखना और मानसून मौसम का आगमन को पूर्वानुमान करने के लिए किया गया था। पहाड़ी इलाके में होने के कारण, पहाड़ी जंगलों के कारण यहाँ पे बंदर, तेंदुए, शेर और भालू जैसे जानवर आज भी रात को घूमते हैं, तो रात को यहाँ पे रुकना घातक साबित हो सकता है।
तो अभी हम सामने मेन गेट के सामने आए, तो चलो फिर अंदर जाते हैं और देखते हैं पैलेस के खूबसूरती का नज़ारा। अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के फ्लोर पे। ये पैलेस का सेकेंड फ्लोर है। गाइज़ अभी ठंडी भी बहुत है, बहुत अच्छी प्लेस है, आप ज़रूर आना। सज्जनपुर पैलेस वन ऑफ द बेस्ट पैलेस है, और इतना पुराना होने के बाद भी, 18th सेंचुरी का पैलेस होने के बाद भी अंदर की चीज़ें काफ़ी हद तक मैंने देखी है, बहुत मतलब लाजवाब है। वो जो घुमड़ है ना सामने, हाँ वहाँ पे आई थिंक रानी महाराजे वहाँ पे आते थे, और नीचे से उनके सेवक शायद दरबार लगती होगी ये तो, और उधर साइड में सेनापति उनके बैठते होंगे। बहुत सही है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी बेस्ट मिलता है। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ही वो महाराणा जी उदयपुर सिटी में या चित्तौड़गढ़ में जब उनको देखना हो तो यहाँ से वो दूर तक का व्यू लेते थे। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सज्जनगढ़ पैलेस हम लोगों ने कम्प्लीटली घूम लिया है, और अब व्यू तो देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा
पैलेस है। तो मैं वीडियो एंड करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उदयपुर की पूरी सीरीज़ में चालू रहेगा, वीडियोस वन बाय वन आते रहेंगे, हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और वन बाय वन वीडियो लेंगे। आज थर्ड डे जो है हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।